बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से नए नए वीडियो में दोस्तों। आज लोग बताऊंगा उड़ीसा वन तोड़ के यूरोपियन टॉयलेट कैसे करते हैं, मतलब देसी टॉयलेट को तोड़ के यूरोपियन इंग्लिश कैसे करते हैं। इंग्लिश मतलब जो फ्लोर में बैठने वाला है, जो दीवार पे वाला नहीं, जो जमीन में बैठता है। देखिए ये वाला, इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने में कितना खर्च आता है, इसका फुल प्रोसेस क्या है, इसको बदलने से जो आपका टॉयलेट में प्लस कॉक या वीप कॉक आपका नल का पॉइंट कैसे ऐसे चेंजेस करना पड़ेगा, और इसका मटेरियल में क्या क्या मटेरियल लगेगा, मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा। जानना है तो वीडियो अंत तक बनिए, आपको पूरी का पूरी जानकारी मिलेगा टू जेड। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा रखिएगा, तो आपको आने वाली नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करो, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस काम में जरूरत का आने वाले सामान आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये वो टॉयलेट है जो 3 फीट बाय 3 फीट का है, जिसका दरवाज़ा अंदर खुलता है। इसको तोड़ कर इंग्लिश करना है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर फ्लश कॉक लगा हुआ है और वीप कॉक लगा हुआ है, प्लेन वीप कॉक। इसको तोड़ कर चेंज करने में क्या क्या चेंजेस आएगा बताऊँगा। इसका डोर जो अंदर खुलेगा तो दिक्कत करेगा टॉयलेट लगने के बाद में, तो इसके पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। देखिए बाहर का फ्लोरिंग से टॉयलेट का अंदर का फ्लोरिंग थोड़ा डाउन है। सबसे पहले आपको इसको तोड़ने से पहले गोनी से बंद कर लेना पड़ेगा आउटलेट को, टॉयलेट का आउटलेट को। इसके बाद में आपको टाइल्स तोड़ना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन तोड़ते हुए बचाना है। क्या बचाना है आपको, दीवार का टाइल्स है वो टूटेगा नहीं, तो उसको बचा के तोड़ना है। देखिए बिल्कुल बचा के बराबर से क्लियर करना है, क्योंकि तो आपको इंडियन टॉयलेट को टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं तोड़ना है। इसका साइड साइड से जो ये आता है उसको ब्रेकर से या हथौड़ा से बराबर से क्लियर करना है, क्योंकि तो आपको टुकड़ा टुकड़ा होगा तो आपका गोनी कट जाएगा और हाथ कटने का डर रहता है। तो आप ग्लास पहने रखे, ग्लास का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, और ब्रेकर मशीन खरीदना चाहते हो तो भी लिंक रहेगा। देखिए सब पहले डिस्कनेक्ट करके चारों बाजू आपको क्लियर करना है, जैसे ढीला हो जाए जॉइंट छोड़ दें, फिर बाद में आप उसको अक्खर निकाल सकते हो आराम से। देखिए अक्खर निकल गया, जो जहाँ से आउटलेट जाता है उसके अंदर गोनी मार देना है, क्योंकि वो कचरा अंदर जाएगा तो फंसेगा, दिक्कत करेगा। कमोड का पॉइंट है ना ऐसा ऐसा, तो वो अभी ट्रैप आ गया है, तो इंडियन टॉयलेट को छोड़ के जितने भी कोई कमोड लग रहा है तो इसको निकाल ही देना है। देखिए ये वो जगह है जहाँ पे पीट्रप था, देख सकते हो यहाँ खड्डा खड्डा हो गया है, तो इसको क्लीन कर लिया हूँ। और जो इसके बाद में देखिए जो सॉकेट है 4 इंच का, इसको ट्राई करना है इसके अंदर इजली जाएगा कि नहीं जाएगा, तो थोड़ा क्लीन करना है सॉकेट के अंदर। नहीं जाता है तो उसको मैं स्टिप्स बताऊंगा क्या करना है। आपका बैंड अगर दीवार में ऐसा जा रहा है तो पानी तो इसके नीचे बहाव से आएगा, तो आपको अगर उस सॉकेट में पुश नहीं हो रहा है तो आप इस जगह पे एक सिर्फ एक कट मार देना है और कुछ नहीं। तो जो इसके अंदर जो गैप क्रिएट होगा, आप आरे पत्ते से कट मार सकते हो, तो जो गैप क्रिएट होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा और बैंड के अंदर आराम से पुश हो जाएगा। वैसे ही ये पूरा पैकिंग चला गया है, लेकिन मुझे इस दीवार से मालूम है कम से कम 6.5 इंच सेंटर रखना पड़ेगा दीवार से सेंटर। ये कमोट है, इसका आउटलेट का सेंटर कितना देखेंगे, 110 समझो, ठीक है। तो अपने कम से कम 2 इंच छोड़ना है, क्यों, इसका जो बैक साइड में जो 1 इंच का लाइन आएगा इनलेट के लिए, ये दीवार में तो टूट नहीं रहा है, फ्लोरिंग से चढ़ाना पड़ेगा लाइन को। पहले इंडियन टॉयलेट था, तो अब ये अगर 4.25 इंच हो रहा है, 4.25 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेंटर, 4.25 इंच आ रहा था, 2 इंच क्लियर रहेगा जो 1 इंच का लाइन के लिए, क्योंकि 1 इंच बिल्कुल बाजू में से चढ़ेगा दीवार का और उसमें इनलेट में घुस जाएगा, नानी ट्रफ हो, मल्टी फ्लोर ट्रफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा एक लाइन। इसके बाद आपको वो तलिए को जहाँ तोड़ा था वहाँ पे बराबर से क्लीन करना है। अगर वाटर प्रूफ का नीचे तक जाता है, अगर नहीं जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तोड़ने नीचे था क्लीन करने की जरूरत नहीं, वाटर प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। देखिए सीमेंट और केमिकल का एक तरी बनाना है, पहले फ्लोर को गीला करना है, इसके बाद में सीमेंट तरी का, सीमेंट का जो केमिकल का तरी है उसको बराबर से अप्लाई कर देना है, बराबर से लगा देना है हर जगह पे जहाँ जहाँ तोड़े थे आप तोड़ने। उसके बाद में देखिए आपको बराबर से अप्लाई करना है क्योंकि कहीं छूट ना जाए। उसके बाद में देखिए आपको एक कपड़े से जो पाइप का सॉकेट के अंदर सीमेंट तरी चला गया उसको बराबर से साफ कर देना है। चलिए पाइप फिटिंग शुरू करते हैं। देखिए जो दीवार से दूर लेने के लिए जो सॉकेट, एक सॉकेट वाला पाइप काटा होता है उसको पहले बैंड के साथ में चिपका देना है, पुश कर देना है, पाइप का सॉकेट में बैंड को पुश करना है, तो क्या दीवार से 6.5 इंच सेंटर आ जाएगा बैंड का सीधा। पहले इसको फिर इसको लुब्रिकेंट और जो अंदर का सॉकेट है उसमें से आपका लुब्रिकेंट देके पुश कर देना है इन साइड में। जितना सारा वाशर खोला हुआ था, क्योंकि अभी फिटिंग के टाइम में, फाइनल फिटिंग के टाइम में वाशर लगाना पड़ेगा। वाशर खोलना इसलिए पड़ता है कि अपने को उस खाली सैंपल चेक करने के लिए वाशर खोलना पड़ता है, क्योंकि वाशर रहते हो खाली सैंपल चेक नहीं कर सकते। इसके बाद में एक टुकड़ा डालना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा मल्टीफ्लोर ट्रैप का जो टी था वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था। देखिए अब जो मल्टीफ्लोर ट्रैप का टी लगेगा 4x3 का टी, उसको पुश कर देना है,
उसी साइड रखना, आप किसी भी साइड रख सकते हो, लेकिन जो डोर खुलता है उसको अपोजिट साइड में रखना पड़ेगा आपको। मल्टी फिल्टर आपका जितना सारा कैप है उसमें तो बेसिंग लाइन जा नहीं रहा है, सिर्फ टॉयलेट था, तो उसके लिए जितना सारा कैप है सबको सॉल्वेंट सीमेंट से चिपका देना है, क्योंकि खुला रहेगा तो दिक्कत करेगा, बाद में पानी लीकेज हो सकता है। अब देखिए मल्टी फिल्टर आपका जो सॉकेट वाला पाइप है उसमें से सोलर लुब्रिकेंट देना है, तो पहले मल्टी फिल्टर पुश कर लेना है, देखिए इसके बाद में खाली बिठा के चेक करना है, जहाँ पे पुश करना है पोजिशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब पोजिशन बन गया तो अपने को थोड़ा नर्द है तो वहाँ पे क्लियर कर लेना है। इसके बाद में लुब्रिकेंट देकर टीके अंदर लुब्रिकेंट देकर पुश कर देना। आप बोलोगे भाई ये मल्टी फिल्टर क्यों लगा रहे टॉयलेट की लाइन में, भाई पॉइंट तो देना पड़ेगा ना अपना फ्लोरिंग में जाने पानी जाने के लिए। इसके बाद देखिए नीचे जहाँ तोड़ा था वहाँ पे थोड़ा पानी देना पड़ेगा, क्योंकि रेती सीमेंट और केमिकल वाला माल बना हुआ है, उसमें से अब जो पहले का बना हुआ था उसमें थोड़ा डाल देना है, तो क्या है ना केमिकल का एक लेयर बन जाए। इसके बाद में जो रेती वाला माल बना हुआ है केमिकल वाला, इसको डाल के वो जाकर खड्डा को भर देना है, क्योंकि जो खड्डा तोड़ा है अगर नहीं तोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी थोड़ा आपको बैंड के जगह पे थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा माल बनाकर, रेती वाला माल बनाकर, तो क्या अच्छा रहता है, बराबर से उस जगह पर रेती वाला माल बना के फिक्स कर देना है। और दूसरा जो रेती वाला माल बनाकर आपको जो मल्टी फुट ट्रैप है उसका आजू बाजू में थोड़ा गीला कर देना है, क्योंकि वो अपना जो सपोर्ट में नहीं रहेगा तो जब जाली क्लीन करोगे या जाली में ढपढप आवाज आएगा, बाटका को मजबूत जो मल्टी फुट ट्रैप है उसको बराबर से मजबूत करना चाहिए, इसलिए नीचे आजू बाजू में चारों तरफ बराबर माल देकर बराबर फिक्स कर देना है, और लेवल भी देख लेना है, तो कि आपको पानी का उल्टा सुलभ नहीं जाएगा। और आप जो बोल रहे हो बास आएगा, बास आएगा, कभी बास नहीं आता है मल्टीपल ट्रैप और नानी ट्रैप में, कभी बास नहीं आता है, वो ज़्यादा सुलभ देने में बास आता है, कभी कभी बास नहीं आएगा। और फाइनली एक लेवल देख लेना है, और जो बोल रहा है भाई मल्टीपल ट्रैप में क्यों लगाए टॉयलेट में, भाई पोजिशन नहीं है तो एक देना पड़ेगा ना पानी जाने के लिए लाइन, बाटका का लाइन, नहीं तो कैसे रख दे, पानी कहाँ जाएगा, फ्लोरिंग का पानी कहाँ जाएगा कहाँ पे अगर नहीं देंगे तो। अगर आपका ये काम मास्टर बाथरूम के अंदर हो रहा है तो मास्टर बाथरूम में नहाने का जगह में एक जाली रहता है, तो ज़रूरी नहीं है जाली देना, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्लोरिंग का गड्ढा भरने के बाद में, बैंड का जगह पे सपोर्ट देने के बाद में, मल्टी फिल्टर को सपोर्ट देने के बाद में, देखिए जो थोड़ा टाइम बाद में आपको अभी कुछ जो पहले का तोड़ा हुआ राविस था कचरा मतलब जो रेती था सबको डाल के लेवल कर देना है, थोड़ा सा खड्डा रख के क्योंकि पीसीसी करना है। इससे पहले अपना जो पॉइंट सेटिंग करना है फ्लोरिंग में चढ़ा लेना है उसको एल्बो मार के, सॉकेट और एल्बो मार के, क्योंकि उसी लाइन को यूज़ कर लेना है, क्योंकि दीवार स्कर्टिंग टूट नहीं रहेगा, दीवार टूट नहीं रहा है। देखिए 4 इंच का जो पाइप का सेंटर है उसका बैक साइड में सीधा एल्बो मार के खड़ा कर देना है, लेकिन टुकड़ा पाइप जो है जो जो स्ट्रेट रहेगा उसको तो खाली टुकड़ा लगाना है, बाद में खोल सकते हैं, उसके हिसाब से मेजरमेंट करके लगाना पड़ेगा। तो अभी देखिए जो आड़ा टुकड़ा है उसको चिपका देंगे सॉकेट में, और एल्बो का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वाला पाइप खाली है, इसके बाद हमको पूरा बिल्कुल पीसीसी कर देना है, बाटके की जगह पर पूरा सोलो बाटके में देना है, मतलब जाली में देना है, ट्रैप में देना है। इसके बाद देखिए केमिकल और सीमेंट वाला पानी को सीमेंट से थोड़ा बना लेना है, अच्छे से ऐसा बनाना है कि ज़्यादा ना सीमेंट हो ना ज़्यादा केमिकल हो ना ज़्यादा। देखिए इसके बाद में इसी पोजीशन में चारों बाजू स्कटिंग के साथ में फ्लोरिंग के साथ, स्कटिंग नहीं फ्लोरिंग में बिल्कुल अप्लाई कर देना है। ये करने से आपको क्या है ना जो कहीं भी छोटा मोटा गैप दिख रहा था वो पूरा भर जाएगा, और जो पानी अगर जाता भी है टाइल्स के 6 होल में से तो वो सीधा जाके वाटका में गिरेगा, सुलभ बिल्कुल वाटका में है, ना ज़्यादा केमिकल हो ना ज़्यादा सीमेंट हो ना ज़्यादा पानी हो, तो क्या इसमें से बिल्कुल जो सूखा सूखा जगह था वो भी पूरा भर जाएगा, एक वाटर प्रूफ का काम हो जाएगा, बिल्कुल पूरा 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 वाटर प्रूफ जैसा हो जाएगा, पूरा पूरा सीमेंट तरी मार के ब्रश मार देना है, ब्रश ऐसा मारना है कि ये प्लस साइन जैसा होता है ना, एक आड़ा में एक खड़ा में ऐसा मारना है, हॉरिजेंट एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल दो ब्रश मारना है, तो क्या कहीं भी छोटा मोटा गैप होगा तो मिट जाएगा और सीमेंट केमिकल उसको पूरा कर देगा, तो अंदर पानी जाने का चांस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोरिंग में पानी गिरता है तो पानी तो कहीं ना कहीं जाने का पोजिशन बनता है, इसलिए टाइल्स में स्लोप रहेगा, और जो नीचे पानी जाता है तो सीधा वो वाटकम चले जाएगा, आप देख सकते हो वाटकम पानी जा रहा है, ट्रैप में पानी जा रहा है। अब उस टुकड़ा को खोल लेना है 1 इंच का, फिर बाद में उसके अंदर एक कपड़े से साफ़ कर लेना है, क्योंकि बाद में अगला दिन खोलेगा नहीं, सीमेंट केमिकल का तरी लगा हुआ है। देखिए ये पीसीसी हो गया और पॉइंट भी हो गया, देखिए 1 से 4 इंची का सॉकेट में आ गया, उसके पीछे देखिए 1 इंच का पॉइंट है पानी का, और वो है वाटका का पॉइंट, थोड़ा दूर आ गया, पता नहीं मिस्टेक मेजरमेंट मिस्टेक हो गया था कटिंग करने में, कल टाइल्स लगेगा, रेडी है बिल्कुल कमर। एक दिन बाद की बात है जब टाइल्स लगेगा, तो उससे पहले पाइप का जो पॉइंट है वाटका और पाइप उसमें गोनी मार देना है, और स्लोप उसी बाजू रखना है जिधर मल्टीप्लो ट्रप जा रहा था, उधर ही स्लोप रखना है कोने में, देखिए इधर देखिए टाइल्स फिटिंग हो गया, देखिए टाइल्स लग गए, एक दिन बाद का ये बात है, अब इसको जॉइंट पूर्ण पूर्ण है, और स्कर्टिंग जो बराबर क्लीन कर देना है, और कमोड का जॉइंट में सब जो बराबर सीमेंट भर देना है। देखिए जॉइंट पिलर से जॉइंट पूरने के बाद में कमोड बैठा के चेक करना है,
फ़ोन बिठाने के टाइम में पाइप में आप ऐसा वाशर लगा सकते हो, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वाशर मिल जाएगा बहुत आसानी से मार्केट में। आप नहीं क्यों नहीं लगाए वो बताऊँगा, क्योंकि दरवाज़ा खुलने में दिक्कत होता अगर मैं लेता तो उसको, थोड़ा भी अगर आधा इंच भी नट जाता तो दिक्कत हो जाता, दरवाज़ा नहीं खुलता। देखिए पीछे पॉइंट खाली सेटिंग करना है 1 इंच का लाइन को मेजरमेंट करके, जो ग्राउंड से खाली टुकड़ा चिपका हुआ था देखिए थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि अंदर कमोड के अंदर उतना बड़ा टुकड़ा नहीं जाएगा तो छोटा टुकड़ा रखना पड़ेगा, तो इसमें फिक्स कर लेना पड़ेगा एल्बो को। सिर्फ नीचे वाला जॉइंट बाकी रखना पड़ेगा क्योंकि वो कमोड के साथ में पुश होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो फ्लोरिंग में ऐसे पॉइंट आया है तो आउटलेट भी फ्लोरिंग से, जो इनलेट का पाइप है वो भी फ्लोरिंग से आ रहा है, तो कमोड जैसे नीचे बैठेगा वो भी साथ में एक साथ में पुश होगा। देखिए वीडियो मन तक बनी फिर पता चलेगा आपको। देखिए आउटलेट का जो पाइप है 4 इंच का, उसमें आप वाशर दे सकते हो इसके जैसा, नहीं तो आप सिलिकॉन में लगा सकते हो। वाशर देने में क्या थोड़ा आगे आ जाएगा तो कमोड उस टाइम दरवाजा नड़ेगा, इसलिए मैं नहीं दिया हूँ। आप वाशर भी लगा सकते हो, देखिए बाजू में जाली लगा हुआ है, जाली लगा सकते हो, उसके बारे में वीडियो आएगा कैसे जाली लगा परफेक्ट फिटिंग करा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन को, दोबारा आपको वीडियो बढ़ाओ, इसलिए मैं जाली लगाने वीडियो नहीं डाला इसके साथ में। देखिए वापस इसको साथ में ऊपर से पोस्ट कर देना है, कमोड में पहले फंसा लेना है, फिर बाद में कमोड भी नीचे जाएगा और कमोड का जो पीछे वाला पाइप है 1 इंच का वो भी साथ में नीचे पुश हो जाएगा एल्बो के अंदर। देखिए बराबर अब पुश हो गया बराबर से, क्योंकि पीछे ज़्यादा जगह नहीं है, मिनिमम जगह है पीछे बैक साइड में। अब देखिए पीछे ज़्यादा जगह नहीं छोड़ा, जितना मैं 1.5 इंच के 2 इंच लिया था उतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैंड के मान जगह है एल्बो के मान 1 इंच का। अब देखिए फ्लोरिंग को साफ करके जॉइंट सिलिकॉन से भर देना है, क्योंकि नहीं तो फिर वापस कोई काम नहीं आएगा, इसमें व्हाइट सीमेंट कोई मतलब नहीं है काम का। सिलिकॉन क्या था आप लगाओ तो बाद में भी निकल सकता है, सिलिकॉन आरे पत्ती से काटो और वापस निकल जाएगा पूरा का पूरा। व्हाइट सीमेंट बहुत गंदा पकड़ता है तो मज़ा नहीं आता, वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो सिलिकॉन क्लियर है सबसे अच्छा रहेगा, लिंक दे दूँगा सिलिकॉन गन का भी, लिंक दे दूँगा आप वहाँ से कर सकते हो। बैक साइड में भी सिलिकॉन लगा देना है, क्योंकि उस जगह पर व्हाइट सीमेंट अच्छा काम नहीं करेगा और सिलिकॉन सबसे अच्छा रहता है बाद में निकालने के लिए, और काम में भी बहुत ईजी रहता है। और एक सिलिकॉन लाने में आपका चार्ज बहुत सारा काम हो जाएगा। देखिए जाली लगाने वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रखो, आगे चल के आप वीडियो आएगा। ऐसा कमोड एक्स्ट्रा पी ट्रप दोनों टाइप ट्रप में आता है, जो एक्स्ट्रा आता है तो नीचे बैठता है, जो पी ट्रप आता है वो दीवार में चिपक के बैठता है, डब्ल्यू सी के जैसे दिखने लगता है, दीवार में बिल्कुल चिमन चिपक जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कमोड का। उसको चाहते हो तो मैं इसको खरीदना चाहते हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखिए दरवाज़ा ऐसा है कि देखो आप पूरा हाफ डबल डोर मतलब डबल इंचज वाला, देखिए 12 इंच जगह है सामने लेकिन फिर भी खुल रहा है, 12 की 14 इंच जगह है, नहीं तो इस जगह पे अखर डोर रखते तो नहीं खुलता। देखिए मतलब नड़ता नहीं है, देखिए सॉफ्ट खुले तो सीट को बारे ये धीरे धीरे गिरेगा, और इसमें पिचकारी लगा हुआ है, ये जाली में जॉइंट पिलर भर लेना आपको, आजू बाजू में जो गड्ढा दिख रहा है। जेट स्प्रे है इसके जगह पे आप एवनिकार में लगा सकते हो। अगर आप इसी तरह का प्लम्बिंग काम करवाना चाहते हो अपने घर का, फ्लैट का, बंगले का, मकान का प्लम्बिंग काम करवाना चाहते हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आएगा, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन आएगा उसको ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो फेसबुक पेज को लाइक करें। इस काम में जो जो सामान दिखाया गया है उसका एक PDF में लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक PDF वाला लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही काम आएगा। उड़ीसा पान तोड़ के वॉलिंग कमोड बनाने का वीडियो ऊपर आ रहा है लेफ्ट साइड में, क्लिक कीजिए उस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।